हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट लाइफ में। यार बहुत ही बढ़िया कर रहे होगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे लिंक्ड लिस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और हम साथ ही में देख रहे होंगे उसका बेस्ट रेफरेंस क्या है, आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक डिटेल वीडियो होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यार लिंक्ड लिस्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लेना है। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट होता क्या है। ठीक है, उसके बाद यार आपको पहले स्टार्ट करना है कि ऐड कैसे करते हैं कोई भी नोट को और डिलीट कैसे करते हैं नोट को। ठीक है, तो जो ऐड होगा यार वो तीन जगह पे होगा। ठीक है, या तो बिगनिंग में होगा, या तो एंड में होगा, या फिर बिटवीन कहीं पर भी होगा। ठीक है, तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। ठीक है, सेम रिमूव में भी आपको पता होना चाहिए कि बिगनिंग से नोट को कैसे डिलीट करते हैं, या फिर बिटवीन इन बिटवीन कैसे नोट डिलीट करते हैं, या फिर एंड से नोट को कैसे डिलीट करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ यार आपको कहाँ से पढ़ना है, सो टेंशन मत लो, स्टे ट्यून्ड टू द लास्ट, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये डिटेल वीडियो है, सो डोंट वरी। उसके बाद यार आपको कवर करना है रिवर्स लिंक लिस्ट। ठीक है, इसमें आपको दोनों होता है, एक होता है आइट्रेटिव और एक होता है रिकर्सिव। ठीक है, तो आपको आइट्रेटिव और रिकर्सिव दोनों देखना है। ठीक है, उसके बाद यार आपको देखना है मिडल ऑफ एलिमेंट ऑफ अ लिंक लिस्ट। ठीक है, मिडल एलिमेंट लिंक लिस्ट का कैसे निकालते हैं, तो वो देखना है। उसके बाद मर्ज लिंक लिस्ट, कैसे मर्ज करते हैं लिंक लिस्ट को, दो लिंक लिस्ट है उसे कैसे मर्ज करना है। ठीक है, उसके बाद ऐड टू नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय अ लिंक लिस्ट। ठीक है, कोई दो नंबर है यार जो कि लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट किया गया, तो उसे आप कैसे ऐड करोगे। ठीक है, उसके बाद क्लोन अ लिंक लिस्ट। ठीक है, आपको क्लोन करना है लिंक लिस्ट को, इसमें आपको एक नेक्स्ट पॉइंटर भी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो और रैंडम पॉइंटर दिया हुआ रहेगा, तो वो कैसे करना है वो आपको बताना है। मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, इसलिए टेंशन मत लो। ठीक है, उसके बाद रोटेट बाय के, अगर आपको लिंक लिस्ट को ठीक है किसी के अमाउंट से रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो वो समझना है। उसके बाद आपको एक लिंक लिस्ट दे दिया रहेगा। ठीक है, आपको बताना है कि वो लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, तो वो देखना है आपको कहाँ से पढ़ना है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद है रिवर्स करना है इन अ ग्रुप ऑफ के। ठीक है, ऊपर मैं अपने पूरे रिवर्स किया था पूरे लिंक लिस्ट को, लेकिन इसमें क्या करना है, ग्रुपिंग में रिवर्स करना है। ठीक है, और इसका यार दो वर्जन आता है, पहला वो जिसमें के ग्रुपिंग करने के बाद, मतलब के नोट्स को एक ग्रुप में करने के बाद जितना नोट्स रिमेनिंग बचता है, ठीक है, या तो उसको रिवर्स करना है या उसको एज इट इज़ छोड़ देना है। तो ये दो वर्जन बन जाता है। ठीक है, तो आपको दोनों देखना है। ठीक है, उसके बाद है साइकिल डिटेक्शन एंड रिमूवल। ठीक है, साइकिल कैसे डिटेक्ट करना है लिंक लिस्ट में, रिमूव कैसे करना है, फर्स्ट ऐसा नोड है कहाँ से जिससे साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो ये तीनों क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में कवर करना है। ठीक है, उसके बाद सेग्रीगेट इवन ऑड। ठीक है, कौन सा लिंक लिस्ट में जो नोड है, ठीक है, या तो इवन ऑड पोजिशन वाइज सेग्रीगेट करना हो सकता है, या फिर डेटा, मतलब कौन सा नोड, या तो अगर इवन है तो वो अलग रहेगा, ऑड रहे तो वो अलग रहेगा, तो उस हिसाब से ये दोनों चीज़ आपको देख लेना है। उसके बाद यार फोल्ड अ लिंक लिस्ट। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं यार कहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, इन टॉपिक्स को कहाँ से कवर करना है। उस सबसे पहले ऐड या रिमूव, यार ये आपको देखना है अपना कॉलेज यूट्यूब चैनल से। ठीक है, उसके बाद रिवर्स अ लिंक लिस्ट, तो रिवर्स अ लिंक लिस्ट आपको देखना यार माई कोड स्कूल। ठीक है, यूट्यूब चैनल है, सर्च कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद मिडल एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट, अगेन टेक यू फॉरवर्ड। उसके बाद मर्ज अ लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट को मर्ज करना है यार, तो अगेन टेक यू फॉरवर्ड। ठीक है, चलो add two numbers represented by a linked list, तो अगेन ये आपको करना है टेक यू फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल से। ठीक है, सॉरी फॉरवर्ड, टेक यू फॉरवर्ड। उसके बाद क्लोन अ लिंक लिस्ट। ठीक है, इसमें जैसे बोला था नेक्स्ट और रैंडम पॉइंटर होगा, तो उसके हेल्प से करना, तो ये अगेन ये देख लेना टेक यू फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल से। ठीक है, सो टेक यू फॉरवर्ड। नाउ रोटेट बाई के, ठीक है, के अमाउंट से अगर आपको रोटेट करना है, ठीक है, तो आप कहाँ से कर रहे होंगे, तो ये भी देखना है आपको टेक यू फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल से। ठीक है, उसके बाद चेक वेदर अ लिंक लिस्ट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, तो ये आपको देखना है अगेन टेक यू फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल से। ठीक है, सो टेक यू फॉरवर्ड।
ठीक है, रिवर्स इन अ ग्रुप ऑफ के, तो यार ये आपको दो जगह से देखना है, एक देख लेना अपना कॉलेज यूट्यूब चैनल से, ठीक है, और एक देख लेना टेक यू फॉरवर्ड, ये दोनों देख लोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद साइकिल डिटेक्शन एंड रिमूवल, ठीक है, ये अगेन देख लेना यार अपने कॉलेज से, ठीक है, अपना कॉलेज अच्छा यूट्यूब चैनल है तो इससे जाके देख लेना। उसके बाद सेग्रीगेट एवन ऑट, तो ये देख लेना यार पेप कोडिंग से, ठीक है, और फोल्डर लिंक लिस्ट अगेन ये देख लेना पिप कोडिंग यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, पहले आप इतना अच्छे से कर लो, ठीक है। मैं भी सभी डेटा स्ट्रक्चर्स कवर कर लूँगा जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको पहले समझना यार, वही बेस बनाएगा, वही काम आएगा, ठीक है। तो पहले आपको इतना कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद फिर कुछ सोचना है, ठीक है, पहले इतना कर लो, ठीक है। तो ये करते समय यार आपको पाँच चीज़ का ध्यान रखना, जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। क्या क्या था यार, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना समझना, ठीक है, ताकि उसे कोई भी मिलता जुलता क्वेश्चन आए तो आपका दिमाग तुरंत लगे, ठीक है। उसके बाद यार अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हो तो डायरेक्टली वीडियो पे मूव कर जाना, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोग्राम नहीं किया तो हो सकता है आपका दिमाग ना लगे, इसलिए वीडियो पे मूव कर जाओ, उसका अप्रोच समझो, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो पहले ट्राई करो, नहीं बने तो फिर ट्राई करो और उसके बाद वीडियो डायरेक्ट देखो। उसके बाद आपको सॉल्यूशन ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमाइज की ओर देखना है, उसके बाद आपको यार नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और जो कोड है उसे गिटहब पे डाल देना है, ठीक है। तो ये पांच स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यार इतना इस वीडियो के लिए काफ़ी होगा, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और यार प्लेसमेंट तो लेके रहेंगे।